ये अर्जुन मेघ पर प्रश्न नंबर एक है, इसके मुकदमे चल रहे आज भी भ्रष्टाचार के। आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए राजनीति में आए हैं। इसी के साथ ही अर्जुन राम मेघवाल पर एक नंबर के चोर होने के भी आरोप लगाए हैं। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल धीरे धीरे आगे बढ़े, एमपी बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। मैं अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखूंगा। अब एक वरिष्ठ नेता का एक बड़े केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाना साफ दिखाता है कि बीजेपी में कितनी खींचतान है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। अर्जुन राम मेघवाल जब अफसर रहे तब भी उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किए थे। पूर्ववर्ती सरकार के समय भ्रष्टाचार किया, उसके मुकदमे आज भी उन पर चल रहे हैं। अर्जुन मेघवाल प्रश्न नंबर एक है, इसके मुकदमे चल रहे आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो। ये है प्रमाण मेरा जिसके इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि भाई तुमने जिसको मंत्री बनाया और कानून मंत्री और जो सब भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर था, तो भ्रष्टाचार के लाखों रुपए का गरीब अनुसूचित जातियों के लोगों को भी नहीं छोड़ा, इसने हर एक के पैसे खाए और अफसर इसे बचने के लिए भ्रष्टाचार से राजनीति में आ गया और आगे बढ़ गया। जिस समय कलेक्टर था उससे भी लाखों रुपए के बल दिए भ्रष्टाचार किया, जिसके मुकदमे आज भी चल रहे। उसने आपको एक कैंडिडेट दे दिया, चार साल से दे दिया ना, मेरी जेल। आपको बता दें कि कैलाश मेघवाल ने चुनाव से पहले बगावती तेवर दिखाया है। उन्होंने आलाकमान को साफ दर्शाया है कि उन्हें शाहपुरा से चुनाव लड़ना है और उन्हें बीजेपी का टिकट चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से कहना चाहता हूं कि या तो मुझे टिकट भेज दो, वरना मैं टिकट के लिए ना दिल्ली जाऊंगा ना जयपुर जाऊंगा। मैं शाहपुरा में रहकर चुनाव लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्षेत्रीय जनता जो हुक्म करेगी, जो हुक्म होगा वह मैं करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ भी की है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि शाहपुरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया जिला बनाया, जिसकी बदौलत इस बार 15 अगस्त को पहली बार ध्वजारोहण हुआ। मैं शुद्ध राजनीति करता हूं, इसलिए विपक्ष में होते हुए भी यहां सत्ताधारी पार्टी की ओर से जिला अस्पताल सहित तमाम सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करवाई है। मैं अशोक गहलोत को बधाई देता हूं कि गरीबों की तरफ उनका ध्यान है। उधर अर्जुन राम मेघवाल ने मानहानि को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। अब चुनाव से पहले बीजेपी की गुटबाजी नुकसानदायक हो सकती है। इसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।